शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिग फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। लोकसभा चुनाव 2019 को फतह करने के लिए भाजपा ने पहला वोट मोदी को दिलाने के लिए प्रचार रथ शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय से पहला वोट मोदी को प्रचार रथ बैन को रवाना किया गया। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सहदेव शर्मा ने प्रचार बैन की जानकारी दी। अभी जो एक कार्यक्रम था हम लोगों का पहला वोट मोदी अभियान के लिए, पहला वोट मोदी को, उसमें हम लोगों ने 6 विधानसभा के लिए बैन आई हुई है। ये 6 दिन रहेगी। आज पहला दिन आगरा ग्रामीण से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने टोटल 75 कॉलेज चिन्हित किए थे जिनमें ऐसे विद्यार्थी थे जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। ये उन कॉलेजों पर बैन लगाई जाएगी। वहाँ एक विधानसभा में एक दिन रहेगी। करीब 6 से 7 कॉलेज उसमें आने वाले हैं। उन कॉलेजों पर उन विद्यार्थियों को इनके विचार सुनाए जाएंगे, मोदी जी की पूरी जानकारी दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा आपको पहला वोट मोदी जी को क्यों देना चाहिए। ये उद्देश्य जो हम लोग लेकर आए थे वो इसके माध्यम से सफल होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम भदौरिया ने भाजपा का झंडा दिखाकर पहला वोट मोदी को प्रचार बैन की शुरुआत की। भाजपा नेताओं का मानना है कि 2014 और 2017 की भांति देश का युवा मतदाता फिर एक बार भाजपा को जिताने का काम करेगा। पहला वोट मोदी जी के लिए। नौजवानों में जिस प्रकार से 2014 में जो जनादेश मिला था उसमें लोह संग्रहण वाला कार्यक्रम था, स्टैच्यू फॉर यूनिटी के वाला, उस कार्यक्रम के माध्यम से नौजवानों में एक उत्साह खड़ा हुआ था और उन लोगों को एक मन के अंदर एक संकल्प आया, संकल्प से सिद्धि तक का, कि ये व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी, ये देश अब तो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम वाला नारा चरितार्थ करेगा और पूरी दुनिया के लिए ये व्यक्तित्व विराटता की ओर बढ़ेगा। अब वर्तमान परिस्थिति में उन्हें अब की बार फिर से मोदी सरकार इस नारे के लिए, इस नारे को संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए नौजवानों के बीच में मेरा पहला मत मोदी जी के लिए, उसके लिए ये वैन हमारे जो मंडल हैं मंडल स्तर पर घूमेगी, मंडल से सेक्टर जाएगी। इसका रूट चार्ट तैयार है, प्लान। इसके बाद हम लोगों का दीप उत्सव वाला कार्यक्रम, निरंतर लगातार कार्यक्रम पार्टी ने दे रखे हैं जिसमें चारों तरफ से नौजवान पूरे अपने काम धंधा छोड़कर केवल मोदी जी के लिए कार्य कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहा है और देश को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। वो तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। जहां बहन जी का चीरहरण समाजवादी पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस मानमर्दन से बहन जी की रक्षा की थी। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं मगर ऐसा कभी कल्पना नहीं थी कि बहन जी और ये सपा का जो मेल है ये बेमेल है और ये आपको जिस दिन बना था उस दिन एक अलग चरम था और आज उसको 25 दिन हो गए उसका एक आज एक अलग दिखता है। किस प्रकार से आप लोग समझ रहे हैं कि 38 38 बांट दी, 38 चाचा को दे दी, 38 अखिलेश जी के पास है। बहन जी को तो एक तरीके से ये ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने करा है तो ये जो बेमेल गठबंधन है, ठगबंधन है, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। भारत के अंदर ये भारत मध्यम मार्गीय देश है, कभी इन सब चीजों को सारे कहना चाहिए। जो राजनीतिक परिस्थितियां निर्माण हुई है देश के अंदर तो लोगों को लग रहा है कि सबरे जो गोरख धंधे करने वाले लोग थे वो सब एक मंच पर आ जाओ और चौकीदार को रोक दो। चौकीदार को जनमानस नहीं रोकने देगा, पूरा देश का जनमानस मोदी जी के साथ खड़ा है। पहला वोट मोदी को प्रचार बैन पीएम मोदी के विकास कार्यों के प्रति सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक कर भाजपा को मतदान कराने को प्रेरित करेगी। भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष का कहना है कि युवा मतदाता देश की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाता है। जो नया वोटर
वोट देने वाला है 2019 के चुनाव में वही दिशा और दशा देने वाला है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तब भी नए वोटर ने अपना एक चौंकाने वाले परिणाम आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने तब भी नए वोटर का बीजेपी को वोट मिला और गेम चेंजर के रूप में उन्होंने काम किया। अभी भी नया वोटर जो आएगा हमारी सरकार बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका अहम निभाने वाला है, क्योंकि कहा जाता है युवाओं पे ही पूरा दारमदार है और जो जहाजों को डुबो दे से तूफान कहते हैं, जो तूफानों का रुख मोड़ दे उसे हम जैसा नौजवान कहते हैं। आज शुरुआत इस बैन को ये जाएगी, जागरूकता अभियान चल रहा है कॉलेजों में कैंपसों में, जहां जहां नए वोटर वोट देने वाले हैं वहां जागरूकता अभियान चलेगा कैसे कैसे क्या होता है और मोदी जी के करणी कार्य बताए जाएंगे प्रधानमंत्री जी। भाजपा नेता भले ही सपा बसपा के गठबंधन को ठगबंधन बता रहे हों, लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन ने भाजपा की जीत का गणित बदल कर रख दिया है और इस गठबंधन से लोकसभा चुनाव का संग्राम रोचक होता दिखाई दे रहा है। 7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।